Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. I hope you all are doing great. So guys, आज का thumbnail and title पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि आज की video किस चीज से related होने वाली है. So guys, आज की video काफी ज्यादा exciting होने वाली है क्योंकि आज की video में मैं आप लोगों के साथ दो important चीजें share करने वाली हूँ. पहली चीज ये कि मैं आप लोगों के साथ शुगर का अपना सेकेंड PR अनबॉक्स करने वाली हूँ एंड सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ कि मुझे शुगर कॉस्मेटिक का कोलैबोरेशन कैसे मिला एंड क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है. सो आज की वीडियो में ये सारी बातें मैं करने वाली हूँ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू न्यू हेयर देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फोगेट टू प्रेस द बेल आइकन. बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड हो सकता है कि आपके काम की वीडियो किसी दिन मैं डाल दूं एंड आपको मिस ना करें, इसलिए बेल बटन को प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक प्रूफ भी लगाऊंगी ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये कोलैबोरेशन मुझे किसके थ्रू मिला है या कैसे मिला है. सो गाइस, लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है एंड वीडियो में वीडियो से रिलेटेड कमेंट आप कर सकते हैं. वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए एंड अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए. सो गाइस, विदाउट फर्दर डू, लेट्स क्विकली जंप टू द वीडियो. सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं PR की, फिर देन मैं आगे के प्रोसेस में बताऊंगी कि मुझे शुगर से कैसे कोलैबोरेशन मिला है एंड ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ ये भी बताऊंगी आप लोगों को. सो सबसे पहले जो मुझे अपना सेकंड PR रिसीव हुआ है वो कुछ इस तरीके का है. इस पैकेट में मुझे कुछ प्रोडक्ट शुगर के रिसीव हुए थे एज अ PR, तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कि इसके अंदर मुझे क्या मिला है. एंड बाय द वे, ये बॉक्स खाली है, इसमें से मैंने प्रोडक्ट निकाल लिए हैं. एंड बाय द वे गाइस, अभी तक शुगर के साथ मैंने 3 कोलैबोरेशन किए हैं, मतलब कि ये जो मेरा प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ था ये तीसरा कोलैबोरेशन था मेरा शुगर के साथ, जो एक TVS चैलेंज था जो कि मेरे इंस्टाग्राम पर लाइव हो चुका है, मेरी रील्स में एंड मेरी स्टोरी में. तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, आप वहां से जाकर मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं. काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो एंड कोलैबोरेशन से रिलेटेड वीडियोज मैं बनाती रहती हूँ. सो या ये देख लिया आपने, अब चलिए प्रोडक्ट की बात करते हैं. सो गाइज, कुछ इस तरीके का पैकेट इसके अंदर रिसीव हुआ था एंड ये इतना ही पैकेट नहीं है, इसके अंदर और भी प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए हैं. बट ये कुछ इस तरीके का लेदर पाउच था, इसके अंदर प्रोडक्ट थे और कुछ बॉक्स के अंदर भी थे जो कि मुझे एज अ PR रिसीव हुए थे. तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे को वन बाय वन क्या मिला. इससे पहले भी मुझे एक PR रिसीव हुआ था जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर की हुई है अपने चैनल पर YouTube के, तो आप वो देख सकते हो. उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, जो मुझे फर्स्ट PR रिसीव हुआ था एंड देन उसके बाद मैं ये कर रही हूँ. तो ये मेरी सेकेंड शुगर की अनबॉक्सिंग है, PR की अनबॉक्सिंग Part 2 है. तो इसमें देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट मुझे मिले हैं. सो यार, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ. सो सबसे पहले है ये प्रोडक्ट, तो ये है विंगमैन वाटरप्रूफ माइक्रो लाइनर 01 LB ब्लैक. ब्लैक कलर का लाइनर है गाइस, इसका मेरे पास ऑलरेडी एक लाइनर है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जो कि मैंने अभी लगा रखा है अपनी आईज पर एंड ये सेकंड वन है जो उन्होंने मुझे भेजा है. एंड बाय द वे, इन प्रोडक्ट के प्राइस एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें. बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ. सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो है ये है शुगर का आई लव जेली आई शेडो 03 एम्ब्रे अट्रैक्शन. ये जेली आई शेडो है गाइज, ये बहुत सुना था मैंने बट अभी तक परचेज नहीं कर पाई थी क्योंकि शुगर के जो प्रोडक्ट है वो थोड़े कॉस्टली हैं एंड इतना इजी नहीं है उसको खरीदना या और यूज़ करना भी इतना इजी नहीं होता है. तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ऑरेंजी शिमरी काइंड ऑफ शेड है. अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ गाइस, अभी ये टोटली पैक्ड है एंड बहुत ही प्यारा सा शेड है. होप सो कि मैं जल्दी से यूज़ करके कोई वीडियो क्रिएट करूँ. सो यह बात करते हैं कोलैबोरेशन की, देन उसके बाद मैं आगे आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगी. सो गाइस, कोलैबोरेशन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ इस वीडियो में क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी कि क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि शुगर कॉस्मेटिक का कोलैबोरेशन मुझे कैसे मिला. तो बहुत सारे लोगों ने इस पर रिप्लाई किया था कि यस, वो जानना चाहते हैं कि मुझे शुगर कॉस्मेटिक का कोलैबोरेशन कैसे मिला. सो गाइस, मुझे नहीं पता आपको कितना विश्वास होगा या नहीं होगा, बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देने वाली हूँ कि शुगर कॉस्मेटिक का कोलैबोरेशन मुझे किसी ऐप के थ्रू नहीं मिला है. एंड मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगी. सो शुगर कॉस्मेटिक का मुझे पर्सनली मेल आया था गाइस, ऐसे ही एक दिन मैं अपने इस ऑफिस में बैठकर मेल को स्क्रॉल कर रही थी जस्ट चेक करने के लिए. देन मुझे वहां पर एक मेल दिखता है और उसमें लिखा होता है शुगर कॉस्मेटिक ऊपर ही. मैंने पूरा मेल पहले रीड नहीं किया, सिर्फ शुगर कॉस्मेटिक देखा मैंने.
मैंने इस पर क्लिक किया, देन उसके अंदर पूरी डिटेल्स थी मेरी फर्स्ट कोलैबोरेशन की। एंड उन्होंने मुझे लिख रखा था कि उन्हें मेरा कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है एंड वो मुझसे कंटेंट क्रिएट करवाना चाहते हैं। तीन चार ऑप्शन थे नीचे में कि आपको ये लुक क्रिएट करना है। एंड उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि आप इनमें से कोई भी लुक चूज कर सकते हैं, हम आपको प्रोडक्ट सेंड कर देंगे उस लुक को अचीव करने के लिए। सो गाइज, मैंने इसको टेकन ग्रांटेड लिया। मैंने सोचा कि मेरे इतने अच्छे फॉलोअर्स भी नहीं है, इंस्टाग्राम पर भी नहीं है, यूट्यूब पर भी नहीं है, फिर मुझे शुगर कॉस्मेटिक डायरेक्टली मेल क्यों करेगा। तो मैंने एज अ फन में, नीचे उन्होंने मेरी डिटेल्स मांगी थी तो मैंने अपनी डिटेल्स को मेल कर दिया उन लोगों को, मेरा नाम, एड्रेस और मेरा नंबर एंड मेरा पर्सनल ईमेल आईडी, मैंने सारी चीज़ें उन लोगों को मेल कर दी जो भी उन्होंने बोला था। एंड एक लुक सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये वाला लुक क्रिएट करना है। देन उसके बाद उन्होंने नीचे मेंशन कर रखा था कि विद इन अ 3 or 4 days के अंदर आपको आपका प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा, एंड जब आपको आपका प्रोडक्ट रिसीव हो जाए तो आप वो लुक क्रिएट करिए, एंड लाइव तब करना है जब वो सेकेंड मेल भेजेंगे। तो मैंने फन में उस मेल का रिप्लाई कर दिया एंड उसके बाद टोटली स्किप हो गया मेरे माइंड से कि मैंने शुगर कॉस्मेटिक का कोई मेल का रिप्लाई किया है। मैं बिल्कुल ही भूल गई थी 3-4 दिन तक। 4 दिन बीत गए एंड 4 दिन के बाद सडनली मुझे कॉल आता है मेरे घर से जब मैं ऑफिस में होती हूँ कि ना एक पार्सल आया हुआ है घर पर। तो मैंने, मुझे तो याद ही नहीं था कि क्या पार्सल आने वाला है, मैंने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी। बट मैंने बोला कि ठीक है अगर पार्सल आया तो आप उसे ले लो। तो मम्मी ने मेरी ले लिया पार्सल एंड पार्सल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अगर आप पार्सल देखना चाहते हैं तो मेरा पिछला शुगर कॉस्मेटिक का आप वीडियो देख सकते हैं कि उन्होंने कितना सारा प्रोडक्ट मुझे सेंड किया था उस लुक के लिए, एंड वो प्रोडक्ट आ गया। तो जब तक मैं शाम तक ऑफिस में थी मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज थी कि पता नहीं किस ब्रांड से है क्या नहीं, मतलब क्योंकि उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया था कुछ भी, ऐसे बस एक मुझे मैसेज आता है कि आपका प्रीपेड पार्सल आपको डिलीवर हो गया है। देन मैं बड़ी एक्साइटेड थी एंड मैं फिर आई शाम को 7 बजे घर पर एंड मैंने देखा एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि इतना बड़ा पैकेट मुझे रिसीव हुआ था शुगर कॉस्मेटिक की तरफ से एंड वो बिल्कुल भी फेक मेल नहीं था गाइज। यस, वो बिल्कुल भी फेक मेल नहीं था, वो मुझे पर्सनली शुगर की तरफ से मेल आया था। सो इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि मेरे फॉलोअर बहुत ही ज़्यादा कम हैं, मतलब उतने ज़्यादा नहीं हैं कि शुगर मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करे। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग मुझे DM में काफ़ी बार पूछते हैं स्पेसिफिकली कि आपको ये कैसे मिला, किसी ऐप के थ्रू मिला। मे भी कुछ लोगों को झूठ लगता होगा बट मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख सकते हैं मुझे क्या क्या मेल आया था एंड कौन सी डेट को आया था। सो जब मुझे वो रिसीव हो गया मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था कि फाइनली एक इतना अच्छा ब्रांड जिसके साथ मैं काम करना चाहती थी उसने मुझे सामने से अप्रोच की एंड ये लिख कर कि आपका कंटेंट हमें पसंद है। कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में ना पैसा सब कुछ मैटर नहीं करता, सबसे बड़ी बात होती है कि कोई आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है। एंड गाइस, मैं वन थिंग आपको क्लियर कर दूं कि शुगर कॉस्मेटिक की कोलैबोरेशन के लिए कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। आपके फॉलोअर, आपके व्यूज, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती उनको। अगर उनको आपका कंटेंट पसंद आता है तो वो आपको खुद से मेल करेंगे, किसी ऐप के थ्रू आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप डायरेक्टली ब्रांड से डील करते हो ना, पैसा एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली उस ब्रांड से डील करते हो तो वो आपके लिए एक बड़ी बात होती है कि आप वेल नॉन ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। एंड मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि फाइनली मैं एक अच्छे वेल नॉन ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ। बाय द वे गाइस, एक सेकंड गुड न्यूज़ भी है जो मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, बट आज के वीडियो में हम सिर्फ शुगर कॉस्मेटिक की बात करेंगे। सो बाकी की बात बताती हूँ मैं, उससे पहले देख लेते हैं और क्या मुझे मिला है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है PR में मुझे रिसीव हुआ है वो है ये है ब्लिंग लीडर इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर 01 गोल्ड डिगिन। सो इसके अंदर मुझे रिसीव हुआ है एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। सो लेट्स सी कि ये कैसा है। एंड बाय द वे गाइस, शुगर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वाओ, पैकेजिंग देख सकते हैं एंड सबसे अच्छी बात है कि ये ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है जो कि मेरा फेवरेट कलर है, आई लव ब्लैक। सो गाइस, ये इल्यूमिनेटर है एंड इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कूल है, बट मैं अब इसको यूज़ करके नहीं दिखाऊंगी आपको, मैं बाद में दिखाऊंगी। सो या बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो ये 3 different लिपस्टिक है गाइज। 3 है शुगर की लिपस्टिक है, ये स्मज मी नॉट लिपस्टिक है, ये है 03 टैन फैन, इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का शेड है, ये 03 है। नेक्स्ट लिपस्टिक रिसीव हुई है वो है ये स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक 09 सौ मोव, आई थिंक ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, ये नेक्स्ट शेड है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें कि शेड कौन सा है।
वाह, बहुत ही प्यारा पिंकी शेड है, न्यूड पिंकी शेड है, जो कि एवरीडे के लिए परफेक्ट है गाइज। एंड शुगर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट की एक बात अच्छी है कि इनकी लिक्विड, इनकी जो लिपस्टिक है ना, वो बिल्कुल भी स्मज नहीं होती। चाहे तो आप मेरा इंस्टाग्राम का अभी रिसेंट वाला चैलेंज देख सकते हैं। एंड जो थर्ड वन है वो स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक है 06, इसमें मेरा शेड है। ये भी कुछ मरून पिंकी टाइप में शेड है गाइज। तो ये 3 लिपस्टिक इन्होंने भेजी है। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट रिसीव हुआ है मुझे वो है ये है मैट का ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक 10 डिपैच मोड। एंड ये नंबर है इसमें मेरा 010। सो आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल सा, एक तरह से बुलेट लिपस्टिक ही कहेंगे आई गेस, या पेन लिपस्टिक आप कह सकते हैं। एंड आप शेड देखिए, ओ माय गॉड कितना प्यारा न्यूड शेड है गाइस, एंड कितना स्मूथ है। एंड इस लिपस्टिक की खासियत मैं आपको बता दूं कि ये लिपस्टिक अप्लाई करने में तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड क्रीमी है, बट अप्लाई करने के कुछ देर बाद ये मैटिफाई हो जाती है एंड बिल्कुल भी स्मज नहीं करती। एंड ये मेरी एवरीडे वाली लिपस्टिक है, न्यूड लिपस्टिक, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है अभी तक की शुगर की ये वाली लिपस्टिक। एंड इसके अंदर मैं जल्दी एक पिंक पीची शेड खरीदने वाली हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है। सो बट है नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, तो उन्होंने ये भेजा है मुझे शुगर का है ये ब्लेंड द रूल आई शेडो पैलेट 01 फ्लॉलेस। ये इन्होंने आई शेडो भेजा है मुझे, इसका ऑलरेडी मेरे पास एक पैलेट है आई शेडो का, एंड ये सेकंड हो गया, तो आप देख सकते हैं। एंड शेड कितने ज़्यादा प्यारे हैं, एंड पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा कूल है एंड क्यूट है। इसका जो पहले वाला पैलेट था वो ऑलरेडी मैंने यूज़ करके एक लुक क्रिएट किया था, एक कंटेंट क्रिएट किया था इससे लेके। एंड अगेन मुझे ये सेकंड पैलेट रिसीव हुआ है जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी शेड्स हैं, मुझे काफ़ी पसंद हैं। सो ये थे कुछ शुगर के पीआर प्रोडक्ट जो मुझे रिसीव हुए हैं कंटेंट के लिए। एंड बढ़ते हैं वीडियो में आगे, कोलैबोरेशन से रिलेटेड बात हम कर रहे थे, मैंने बीच में छोड़ दी थी। या मैंने आपको बताया कि इनका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, ये डिपेंड नहीं करता कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर देखेंगे ना, तो शुगर कॉस्मेटिक का मेल आने से पहले मैंने कोई भी शुगर कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड ही नहीं की थी। इनफैक्ट मेरे पास शुगर की कोई लिपस्टिक भी नहीं थी जिसे कि मैं वीडियो बनाऊं, बट आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्लैड कि शुगर कॉस्मेटिक ने मुझे डायरेक्टली मेल किया एंड कंटेंट क्रिएशन के लिए बोला। एंड मैं आगे भी उनके साथ काम करना चाहती हूँ, एंड फिंगर क्रॉस्ड कि आगे भी मुझे उनका कोलैबोरेशन मिलता रहे। एंड सीरियसली गाइस, आप ये मेल चेक कर सकते हैं कि मुझे उनका मेल किस तरह से रिसीव हुआ था। बहुत सारे लोग जिनको शुगर कॉस्मेटिक का कोलैबोरेशन मिला है वो शायद मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि उन्हें भी कोलैबोरेशन मेल के थ्रू मिला है, किसी ऐप के थ्रू नहीं मिला है। एंड बाय द वे, कई लोग पूछते हैं कि आप मेल फॉरवर्ड कर दो, तो मैं बता दूं कि शुगर कॉस्मेटिक का जो मेल है वो समटाइम्स ऑटो जनरेटेड होता है, तो आप उस पर मेल कर नहीं सकते, मेल रिसीव कर सकते हैं। एंड हमें जो भी कोलैबोरेशन से रिगार्डिंग मेल आता है उसके अंदर पूरी स्क्रिप्ट लिखी होती है, पूरी डेट लिखी होती है, टाइमिंग लिखी होती है कि कब कैसे क्या करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। आई होप कि गाइस आपका जो शुगर कॉस्मेटिक का कोलैबोरेशन रिगार्डिंग डाउट है वो क्लियर हो गया हो, एंड जिनको भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं था उनको विश्वास आ गया हो इस मेल को देखकर। मेरे बैक टू बैक मेल आए हुए हैं शुगर के, जिनको मैंने ऑलरेडी अपने मेल में स्टार करके रखा हुआ है ताकि जब भी मुझे खोलना हो तो मैं उनको देख सकूं। मैं कोई भी चीज़ नहीं छुपा रही, मुझे किसी भी ऐप के थ्रू नहीं मिला है, एंड इसीलिए मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड प्रोडक्ट भी दिखा रही हूँ एंड आपको प्रूफ भी दिखा रही हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे मेरी तरफ से। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। सो आपको भी बस अपने कॉन्टेंट पर फोकस करना है, फॉलोअर्स इट डजेंट मैटर, आपके व्यूज डजेंट मैटर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको भी अच्छे ब्रांड सामने से अप्रोच करेंगे। एंड मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत सारे ब्रांड्स ने अप्रोच किया, नहीं, कुछ ब्रांड है जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ और उनमें से एक ब्रांड था शुगर जो कि मुझे मिला, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से। एंड आई होप कि आप भी मेरी खुशी से खुश ही होंगे। सो इस वीडियो को प्लीज़ प्यार दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड कॉमेंट करिए आपको कैसी लगी आज की वीडियो। एंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।